नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों IDFC और IDFC फर्स्ट बैंक, जहां पे वैल्यू अनलॉकिंग होने की संभावना है। दोस्तों क्यों वैल्यू अनलॉकिंग होगी उसके ऊपर बात करेंगे। और दोस्तों चार्ट के ऊपर जो गिरावट आई है IDFC के शेयर में, वहाँ पे क्या गिरावट रुक जाएगी इस लेवल पे, क्यों इम्पोर्टेंट लेवल है उसके ऊपर बात करेंगे। और दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक में हमें लो रिस्क हाई प्रॉफिट स्ट्रेटेजी दिख रही है। दोनों ही स्टॉक स्ट्रेटेजी के हिसाब से दोस्तों बहुत ही बढ़िया आपको मूवमेंट देने की संभावनाएँ रखते हैं, तो उसके ऊपर डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। दोस्तों इंडिया पेस्टिसाइड के ऊपर दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि दोस्तों बड़े जो निवेशक है बहुत ही बड़ा पैसा लगा रहा है, तो उनके ऊपर दोस्तों देखना। और चार्ट अभी लाइफ टाइम लो के आसपास चल रहा है, तो बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ से यू टर्न होने के काफ़ी बढ़िया चांसेस हो सकते हैं। दोस्तों सिंटेक्स इंडस्ट्री और सिंटेक्स प्लास्टिक में दोस्तों गिरावट जारी है। दोस्तों कौन से लेवल पे रुक सकता है उसके ऊपर बात की थी, वो जरा देख लेना। और सोना कॉमस्टार दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी ये स्टॉक दोस्तों नए हाई बना रहा है, और मैं आपको बहुत टाइम से रेकमेंड कर रहा हूँ दोस्तों इस स्टॉक में, तो यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा पैसा बन रहा है तो उसको एंजॉय कीजिए। दोस्तों अब चलते हैं दोस्तों IDFC लिमिटेड के ऊपर, जहाँ पे 51.50 का दोस्तों क्लोजिंग आया है, 0.68% का है। 5 दिन के अगर देखें तो भी दोस्तों गिरावट मिलेगी आपको, 1 मंथ के अंदर भी काफ़ी गिरावट आई हुई है। दोस्तों इसीलिए दोस्तों मैंने बोला था वीडियो की शुरुआत में कि कहाँ पे क्या यहाँ पे गिरावट रुकेगी कि नहीं रुकेगी, वो हम चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे। IDFC फर्स्ट बैंक दोस्तों दोबारा 47.20 का लेवल, जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है, उसी के आसपास आके क्लोज हुआ है। तो वहाँ पे दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कौन सी रणनीति के जरिए हम पैसा बना सकते हैं। अगर 5 दिन के अंदर देखेंगे तो दोस्तों 3.51 का दोस्तों मूवमेंट हुआ है अपर साइड के, और 1 मंथ के अंदर यहाँ पे भी दोस्तों 8% से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है। दोस्तों अब IDFC's वैल्यू अनलॉकिंग क्रोवेल हैज अ शेयर होल्डर अप इन आर्म सिंस इट डिमर्ज IDFC बैंक फ्रॉम इटसेल्फ इन 2015। IDFC स्टॉक हैज फॉलन 8% इवन एज द वाइडर मार्केट सर्ज। दोस्तों इतनी मार्केट में तेजी आई, बट दोस्तों IDFC के स्टॉक में मूवमेंट नहीं हुआ। द कंपनी कुड अनलॉक द वैल्यू बाय सेलिंग ऑफ इट्स AMC एंड रिवर्स मर्जिंग विद IDFC फर्स्ट बैंक, बट शेयर होल्डर हैव अक्यूज्ड IDFC ऑफ ड्रैगिंग इट्स फीट ऑन द मैटर। दोस्तों क्या हुआ है दोस्तों कि जो IDFC शेयर होल्डर है इनटू द कंपनी मैनेजमेंट एंड बोर्ड इन सितंबर ओवर डिलेस इन अ वैल्यू अनलॉकिंग। दोस्तों बहुत ही दोस्तों डिले हो रहा है वैल्यू अनलॉकिंग के लिए, और जो चेयरमैन है उनको निकाल दिया है। दोस्तों इन स्क्रैम्बल सिंस देन IDFC हैज अपॉइंटेड एन इन्वेस्टमेंट बैंकर टू सेल इट्स म्यूचुअल फंड बिजनेस, जिसका न्यूज हमने कवर किया था, एंड रॉट टू IDFC फर्स्ट बैंक रिगार्डिंग अ रिवर्स मर्जर। दोस्तों पहले डिमर्ज किया, अब रिवर्स मर्जर कर रहे हैं, और बट IDFC फर्स्ट बैंक हैज पुट द बॉल बैक इन टू द IDFC स्कॉट सीकिंग अ गाइडेंस ऑन द नेक्स्ट स्टेप अ कम्युनिकेशन IDFC हैज नॉट पब्लिकली रिवील्ड इट। दोस्तों यानी कि दोस्तों एक दूसरे ऊपर एलिगेशन हो रहा है बट कुछ हो नहीं रहा है। दोस्तों तो क्या इन्वेस्टर जो है शेयर होल्डर से क्या लुक अनदर अपॉर्चुनिटी, वो देखने वाली बात है। बस दोस्तों चार्ट क्या सजेस्ट करे उसके ऊपर आ जाते हैं। तो दोस्तों पहले IDFC का दोस्तों ये चार्ट है, वीकली चार्ट के ऊपर दोस्तों आप अगर पहले से जुड़े हो तो आपको पता है कि ये हमने स्विंग लो से स्विंग हाई को कनेक्ट किया था। दोस्तों जो स्विंग हाई बना था 23 जुलाई 2021 में, जब 62.90 का हाई बना था, और यहाँ पे दोस्तों 29 मई 2020 का दोस्तों बना था लो। अब उसको हमने कनेक्ट करके दोस्तों जो लेवल निकले हैं उसके ऊपर है, और यहाँ पे जो वाइट लाइन है वो हमारा वीकली रेजिस्टेंस लेवल था, उसके ऊपर क्लोज नहीं आया था। दोस्तों जब भी क्लोजिंग मिला हमने लास्ट टाइम जब ये मूव आया था बड़ा दोस्तों, तब हमने बोला था कि दोस्तों 57 के ऊपर जैसे ही चलना स्टार्ट करें हमें पकड़ लेना है, और दोस्तों बढ़िया मूव मिला। बट वहाँ से दोस्तों आप देखें इसके ऊपर जो था दोस्तों स्टॉक जो था जो उसका क्लोजिंग 62.90 यानी नेक कैप ब्रेक लेवल के ऊपर आया, और दूसरे दिन वहीं से दोस्तों नीचे आना स्टार्ट हुआ वीक में, और 3 वीक लगातार गिरावट हो चुकी है। दोस्तों अब कौन सा लेवल आ चुका है दोस्तों 23.6% का रिट्रेसमेंट। यहाँ पे 23.6% का रिट्रेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों प्रीवियस टाइम जब इसको टच हुआ था दोस्तों तब हमारे पास ये था, बट दूसरी बार जब दोस्तों यहाँ पे ऊपर गया था तब 23.6% के रिट्रेसमेंट को टच करके वापस गया था, और यहाँ पे आप देखिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों बाउंस बैक आया है। अगर डेली चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करें तो 1 दिन दोस्तों क्लोज दिया है और फिर दोस्तों दोबारा उसके ऊपर चला गया है दोस्तों स्टॉक। लास्ट टाइम वैसा नहीं हुआ था, वहीं पे सिर्फ टच किया था और वापस गया था, बट यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनाए, काफ़ी बढ़िया दोस्तों मोमेंटम आया और वॉल्यूम में भी इजाफा मिला है, और बाकी के 2 दिन दोस्तों वहीं के लेवल जो हमारा 23.6% का रिट्रेसमेंट है 520 का,
और 51.20 का वहीं पे दोस्तों सपोर्ट लिया है स्टॉक ने, तो हमें अब 30 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ इसमें अपना बाय कॉल जनरेट कर देना है दोस्तों। 30 पैसे का स्टॉप लॉस रखना है क्लोजिंग बेजिस के ऊपर, अगर वहाँ पे आता है तो नीचे अगर बंद हो जाता है तो दोस्तों हमें निकल जाना है दोस्तों। बट वीक अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो वीकली चार्ट के ऊपर जब तक क्लोज नहीं आए दोस्तों तब तक हमें वेट करना है। बट दोस्तों कोविड के वेरिएंट का अगर बहुत ही ज़्यादा होता है तो दोस्तों अगर आप पोजिशनल कॉल ना बनाएं और डेली चार्ट के ऊपर ही प्ले करें तो बेटर रहेगा, उसमें आपको काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर, और IDFC फर्स्ट के बैंक के ऊपर चार्ट के ऊपर दोस्तों बात करें उससे पहले दोस्तों IDFC में जो डिलीवरी वॉल्यूम हुआ है उसके ऊपर नज़र डाल देते हैं। तो 3 दिसंबर को 50.6% का दोस्तों डिलीवरी आया है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया दोस्तों डिलीवरी बेस बाइंग हुई है। और 2 दिसंबर को जो हुआ है वो है 43.2%, और 1 दिसंबर को जो हुआ था वो 31.5% का हुआ है। 30 नवंबर यानी कि दोस्तों ओवरऑल जो लास्ट टाइम का डिलीवरी है वो ज़्यादा हुआ है दोस्तों। और IDFC फर्स्ट बैंक में का डिलीवरी की बात कर ले तो दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक में 17.7% का डिलीवरी 3 दिसंबर को हुआ है, 2 दिसंबर को 24.3% का डिलीवरी है, और 1 दिसंबर को 24.1। ओवरऑल दोस्तों ठीक है, डिलीवरी कोई ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है। बट यहाँ पे दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक 47.15 का लेवल जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों वीकली चार्ट के ऊपर। क्यों इम्पोर्टेंट है ये वैल्यू, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एक ऐसा दोस्तों बंडर है कि यहाँ पे पहले एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ था, जैसे ही वो स्टॉक ने तोड़ा फिर स्टॉक ने ज़बरदस्त तेज़ी दोस्तों बनाई, हमने पैसे बहुत कमाए, फिर दोबारा यहाँ पे स्विंग को टच किया, फिर दोबारा ऊपर गया, जैसे ही तोड़ दिया दोस्तों काफ़ी नीचे चला गया, फिर जैसे ऊपर आया हमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया, फिर वहीं पर दोस्तों सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर गया और फिर अब नीचे आया दोस्तों, लास्ट वीक क्लोज दिया। बट दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ये वीक में काफ़ी अच्छा बाउंस बैक आया हुआ है दोस्तों। अगर डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो लास्ट वीक ही दोस्तों उसने तोड़ दिया था 26 नवंबर को, और फिर यहाँ पे दोस्तों देखिए अब यहाँ पे ही सपोर्ट ले रहा है 47.15, और यहाँ पे जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था तब क्लोजिंग दे दिया है उसने 47.25। तो हमें दोस्तों 47.15 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे भी दोस्तों पॉजिटिवली मूवमेंट रखना चाहिए, यहाँ पे काफ़ी चांसेस है दोस्तों कि आने वाले टाइम में हमें और अच्छा स्विंग मिल सकता है दोस्तों। और हमारा अगर टारगेट अगर हम कैसे कंसिडर करें तो पहला टारगेट जो दोस्तों 50-53 के आसपास रहेगा, और दूसरा जो टारगेट है वो हमारा 60 के आसपास रहेगा दोस्तों। ये स्टॉक 60 रुपीज़ तक जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना रखता है शॉर्ट टर्म में। तो दोस्तों ये आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो और ट्रेड और इन्वेस्ट करना चाहते हो तो दोस्तों लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, तो आप फ्री में डीमैट अकाउंट वहाँ से ओपन कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके ही आप इसमें ट्रेड या निवेश कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।